हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और ये जो गुड मॉर्निंग है ना, ये बहुत स्पेशल सा ये है कि आज मैं अपने पुराने घर को छोड़ करके आज मैं न्यू घर में आई हूँ। तो मैंने आज पूरी रात वहीं सोई थी, मुझे अच्छा लगा, नींद भी आई। लेकिन तो होता है ना, न्यू घर में थोड़ी सा पहले नींद नहीं आती है, मुझे तो थोड़ी देर नहीं आई थी, फिर आ गई। बट मुझे बहुत अच्छा लगा अपने न्यू घर में, अपने न्यू रूम में, और आई एम सो हैप्पी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के, यहाँ पर सो करके। लेकिन यहाँ चलो मैं अपना रूम दिखाती हूँ। और हाँ, बहुत गंदा है क्योंकि अभी थोड़ा शिफ्टिंग चल रही है, तो मेरे घर के बाहर का व्यू मेरी खिड़की से ये दिखेगी, दिख रही है मेरे पास। और ये मेरा प्लांट है, माय लवली प्लांट। और ये हमारी मेरी रूम है, ये सारी। पूरा सामान बिखरा हुआ है यार, बट क्या करूं, अभी अभी तो शिफ्ट ही हो रही हूँ। पूरे सामान ये देखें, ये मेरा रूम है, पूरा सामान अभी बिखरा हुआ है। और मैंने कुछ सामान उधर रख दिया है, इधर मेरे बुक्स, इधर कॉपी, उस साइड भी छोटे मोटे कुछ कुछ ऐसे सामान मैंने सब रख दिया। और कैसा लगा मुझे आप, और कैसा लगा मेरा घर आप लोगों को? और रूम, मैंने फ्लो में ज़्यादा ही कुछ बोल दिया। रूम कैसा लगा? और क्योंकि मुझे फॉर्म भरना है जो घर के काम है, तो मैं आपको एक घंटे में मिलती हूँ। और मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी लेके चलती हूँ क्योंकि आज मेरा क्लास भी है। पहले मैं ऑनलाइन फॉर्म भर दूँ, उसके बाद मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी लेके चलती हूँ। और सॉरी, मैं बहुत जल्दीबाजी में थी। और मैं अभी तो फ़िलहाल मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। और मुझे ये भी नहीं पता कौन सी, बस फिफ्थ बिल्डिंग में है मेरी क्लासेस, बट फिफ्थ बिल्डिंग कौन सी है मुझे नहीं पता। तो मुझे लगता है कि मुझे सर्च करना पड़ेगा, ढूंढते हैं कौन सी बिल्डिंग है। और मैं अपनी बिल्डिंग दिखाती हूँ, मेरी क्लासेस किस में लग रही है। ओके, ये पूरे सामने का है मेरे कॉलेज का एरिया, ये आसपास है पूरी। ये देख लें, पूरी यूक्रेन एक ही जैसा लगता है। ये भी देख लें, ये हमारी यूनिवर्सिटी का ही एक बिल्डिंग है, बट इसमें मेरी क्लास नहीं है। वो मेरी बिल्डिंग का ही था लेकिन उसमें क्लास नहीं था। सो दिख रहा है सामने वाला, वो हमारी मेन बिल्डिंग है, हमारा क्लास उसमें ही लगता था। था क्या है अभी, और चलो देखते हैं कि बिल्डिंग में क्लासेस है या नहीं। यूनिवर्सिटी ये देख लें, हमारी बिल्डिंग के, हमारी यूनिवर्सिटी के 10 बिल्डिंग है बेटी। ये हमारी यूनिवर्सिटी है, ये रहा। और ये मेरा घर है। और मैं वैसे मेरी क्लास ख़त्म होकर के मैं घर जा रही हूँ, यही रास्ते में। और ये मेरी सोसाइटी, ये देख लें। और इस बिल्डिंग में मेरा घर है, ये पार्क बना हुआ है बिल्डिंग के जस्ट बगल में, देखें। और ये वाली मेरी बिल्डिंग है,
ये पूरी पार्क है और दिस इज माय बिल्डिंग, देख लें। और कॉलेज के बाद में अभी एपिसेंटर, यह है एपिसेंटर, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। और मैंने अपने पूरा रूम सही कर दिया, ये देखिए मैंने पूरा, और ये देख लें, ये मेरा बेड, ये मेरा विंडो साइड, किसी को, ये किसी को अगर ऐसा लग रहा होगा कि मैं एक जिस टी शर्ट पहन करके, जो कपड़े पहन करके मैंने सो करके उठी थी और मैं उसी कपड़े में यूनिवर्सिटी चली गई, तो ऐसा नहीं है, मैं हमेशा चेंज करती हूँ। बट क्या ना, उस दिन बहुत लेट हो गया था तो इसलिए मैं, मुझे कपड़े चेंज नहीं मैं कर पाई, और 10:30 से मेरी क्लास थी और 10:45 हो गया था, सो वो कपड़े मेरे सही थे, गंदे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि चलो वही पहन के चले जाते हैं क्योंकि क्लास ज़्यादा ज़रूरी था। ये ना, मेरा प्रिंटर है ना, सारा मैंने सही कर दिया, मेरा रूम बहुत प्यारा लग रहा है। यू नो आज क्या हुआ कि हमारे इस फ्लैट में मतलब टीवी भी मिला है, वो मेरे फ्रेंड के रूम में है, तो मतलब ये यूक्रेन है तो यहाँ पर मोस्टली रशियन यूक्रेनियन लैंग्वेज में होती है मूवी, यहाँ की होती है, बट आज अचानक से हिंदी मूवी चलने लगी और हमें इतना अच्छा लगा ना कि वह मतलब एक अलग सी, एक दूसरी कंट्री में हिंदी मूवी चल रही है, ऐसे कभी मुझे नहीं लगा था कि कभी यहाँ पर लोग हिंदी मूवी भी देखते होंगे, बट रियली बहुत अच्छा लगा। बॉलीवुड चल रहा था लेकिन बहुत पुरानी, अभी ये नहीं कि शाहरुख खान सलमान खान इनके भी नहीं, बहुत पुरानी मूवी थे, बट बहुत अच्छा लगा। मैं उस वीडियो, मैंने कुछ क्लिप बनाए हैं, वीडियो बनाए हैं, मैं उनको डाल दूँगी और अब ज़रूर देखना यार, बहुत प्यारे इस रियली। और कभी भी रात में, और आज तो मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि हमारा 4 दिन से 2-3 दिन से ऐसे शिफ्टिंग का चल रहा था, उससे पहले हम फ्लैट ढूंढ रहे थे और हमें फ्लैट ही नहीं मिल रहा था, उनके पास शिफ्टिंग का चलने लगा 2-3 दिन, फाइनली आज जा कर के मैंने अपना पूरा सामान को जमाया है और उनके बाद फिर अभी भी बहुत सारे और 3-4 दिन तक तो शिफ्टिंग में ही लगा, फाइनली आज जा कर के पूरे काम ख़त्म हो गए और मे भी अब थोड़ी सा रिलैक्स मिले हमें, लेकिन रियली बहुत ज़्यादा हमारे पैरों की याद, इतने हम थक गए थे ना, हम लोग सब ने बहुत काम किया और सब बहुत थक गए थे, हमारे सारे फ्रेंड मैं सब मिल कर के। और ये देखिए, आप एलोवेरा को ऐसे अप्लाई करें, किसी ने मुझसे पूछा था कि आपका रिज़ल्ट क्या है, तो दिख रहा है मेरी रिज़ल्ट, ये इससे ज़्यादा मेरे फेस में पिंपल्स था और अभी बहुत कम है। सो और आपको पता ही है कि यार एलोवेरा, ऐसे कहते हैं ना, कुदरत का कुछ भी दिया हुआ चीज़ कुछ भी बेकार नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कंटेंट है, सब की कुछ ना कुछ खूबी है, तो नेचुरल चीज़ें होती हैं, खैर इनमें तो सब कुछ, वो कभी भी किसी कोई स्किन या कुछ हार्म नहीं करता, तो लगाएं आप। कहते हैं ना, खुदा ने जो कुछ बनाया है सब में
कुछ ना कुछ खासियत दिए ही हैं। कभी तो आप एलोवेरा जेल लगाएं इस तरह, ओके गुड नाइट। और मैं मिलती हूँ आपसे कुछ नए वीडियो के साथ अगले ब्लॉग में। सो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ये बहुत ज़रूरी है, और अच्छा से रहें और खुश रहें। बाय।